की मीटिंग के बाद आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शरद पवार के आवास पर इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और इसी कमेटी की बैठक में आज कई बड़े फैसले हो सकते हैं और तीन बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक के भीतर चर्चा होने जा रही है। 14 सदस्यीय कमेटी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी। मुंबई में जो इंडिया अलायंस की तीसरी बड़ी बैठक हुई थी उसमें इस कमेटी का गठन किया गया था। आज शरद पवार के आवास पर ये बैठक हो रही है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय हो सकता है, साथ ही साथ कैंपेनिंग किस तरह से होगी इसको लेकर रूपरेखा बन सकती है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सीट बंटवारा कैसे होगा, किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें दी जाएंगी इसको लेकर खाका तैयार हो सकता है। आपको बता दें कि शरद पवार के आवास पर जो तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। अब तक कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचा है वो भी आपको बता देते हैं, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पहुंच गए हैं, वो इस कमेटी के सदस्य हैं। उनके अलावा आपको बता दें कि सीपीआई नेता डी राजा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा डीएमके से टीआर बालू, आरजेडी से तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, जेडीयू से संजय झा पहुंचे हैं, ललन सिंह की जगह वो पहुंचे हैं। इसके अलावा पीडीपी से महबूबा मुफ्ती हैं और एनसी से उमर अब्दुल्ला हैं, जबकि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से संजय राउत यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हैं शरद पवार के आवास पर। बैठक शुरू हो चुकी है, सीट बंटवारे को लेकर एक अहम फैसला हो सकता है। अब तक आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो यही कहती हुई नजर आई है कि जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। देखना होगा कि दो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, वहां पर उन दोनों राज्यों पर सबसे ज्यादा नजरें अरविंद केजरीवाल की भी होने वाली है कि किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर। फिलहाल शरद पवार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कई सारे मुद्दों पर मंथन होना है, लेकिन सबकी नजर रहेगी कि सीट बंटवारे पर क्या फैसला होता है। क्या आज इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा, किस तरीके से फैसला होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सीट देने का और क्या तमाम दल सीट शेयरिंग के मसले पर एकमत हो पाएंगे या फिर कुछ नेगोशिएशंस होंगे, हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में क्या निर्णय होगा सीट शेयरिंग पर उस पर हमारी नजर रहेगी। राघव चड्ढा जब इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि सीट शेयरिंग पर भी बात होगी, क्या कुछ होगा इस बैठक में वो तमाम मीडिया कर्मियों के साथ साझा भी करेंगे, उनका बयान आपको सुनवा देते हैं। मीटिंग के बाद आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू। मीटिंग के बाद बात करेंगे। थैंक यू। बताएंगे आपको। शरद पवार के आवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल होने से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने कहा था कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा आगामी लोकसभा चुनाव का, साथ ही साथ कैंपेनिंग को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी और सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो भी अपडेट इस बैठक से निकलकर सामने आएगा आपके साथ साझा किया जाएगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।